नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने YouTube चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुकान के बारे में बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे 6 दुकान बनाया जा रहा है और इसे बनाने में कितना रुपया खर्चा आया उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप दुकान बनवा रहे या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्लॉट के बारे में। तो इस प्लॉट का जो साइज़ है वो 25 फीट बाई 30 फीट का है। इसमें 6 दुकान निकाला गया है। यह है इस दुकान का फ्रंट व्यू, जहाँ पे लगभग 3 फीट बाहर छज्जा निकाला गया है और बीम के सपोर्ट से छज्जा निकाला गया है। देखिए, कभी भी आप 2 फीट से ज़्यादा छज्जा निकलाएं तो ये लटक बीम या फिर आप हिडन बीम भी उसमें दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से दुकान यहाँ पे बनाया जा रहा है। आपको सामने की तरफ 2 दुकान देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं, और इसका शटर सामने की तरफ लगाया जाएगा। और अंदर चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो देखिए, इसके बीच में छोड़ा गया है गली जो कि 3 फीट का है। हल्का और ज़्यादा यहाँ पर गली का जो काम है वो करना चाहिए था। कम से कम 4 फीट की गली यहाँ पर आपको छोड़ना था, क्योंकि अंदर में भी आप दुकान बना रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए अच्छा रहता है, और जो अंदर वाला दुकान है वो भी बाहर से कुछ दिखता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो देख लीजिए, छोटा छोटा गली है, वहाँ से हम लोग अंदर होते हैं तो आपको दोनों तरफ पे मिल जाता है दुकान। बायां साइड में भी एक दुकान है और दाहिने साइड में भी एक दुकान है। दुकान का साइज़ का बात किया जाए तो 11 फीट बाई 11 फीट का आपको दोनों दुकान का साइज़ है। देख लीजिए, इस दुकान में आपको यहाँ पर छज्जा भी बनाया गया है जिससे आप आसानी के साथ सामान है उसे रख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी पार्टीशन वाल का काम है, वो चल ही रहा है। तो ये 2 दुकान हो गए। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे में आपको और 2 दुकान मिलते हैं। इस गली के सहारे ही आपको आगे जाना होगा। और इस दोनों दुकान का साइज़ भी सेम है, 11 बाई 11। इसमें आपको छज्जा देखने को मिल रहा है। और इसके अपोजिट बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपको मिलता है सेम साइज़ का एक दुकान, आप देख सकते हैं। फिर आगे जाते हैं तो आपको थोड़ा दुकान का साइज़ उसे छोटा कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, गली के सहारे में आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे 11 फीट बाई 8 फीट का 2 दुकान आपको देखने को मिल रहा है। 11 फीट बाई 8 फीट, इधर भी 11 फीट बाई 8 फीट। और पीछे जाने के लिए, अगर आप पीछे घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जिट डोर दिया गया है दुकान से बाहर जाने के लिए। तो हल्का गली अगर जो बड़ा रहता है तो घर में जाने में भी अच्छा लगता है। हालांकि गली तो छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम यहाँ पे किया गया है कि आगे आपको कंस्ट्रक्शन करना हुआ तो ये रेनफोर्समेंट को छोड़ा गया है। 12 mm का 4 सरिया देख सकते हैं इधर भी और इधर भी इस बीम वाला सरिया को। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस बीम में जो सरिया दिया गया है वो 12 mm का 4 सरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसका बताने वाला हूँ, इसलिए सारा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताऊँगा तो यहाँ पे पार्टीशन वाल लेने के बाद वाला बताऊँगा। यहाँ पार्टीशन वाल लेना बाकी है, यहाँ पार्टीशन वाल लेना बाकी है। ईंट आप देख सकते हैं गिराया गया है उसके लिए। तो देखिए, इस टाइप से काम किया गया है। कॉलम का बात किया जाए तो टोटल इसमें 16 कॉलम लगाया जा रहा है। 4 कॉलम देख लीजिए उधर आपको देखने को मिलेंगे और 4 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4 कॉलम फिर यहाँ पे गली के उस साइड और 4 कॉलम फिर आपको उधर देखने को मिलेंगे। साइज़ का बात किया जाए तो अलग अलग साइज़ का कॉलम लगाया गया है। ये जो 4 कॉलम आप देख रहे हैं ये 9 इंची बाई 9 इंची का है। ये गली के उधर साइज वाले कॉलम को आप देखेंगे तो उसे भी 9 इंची बाई 9 इंची का लगाया गया है। और उस साइड जो कॉलम लगाया गया है उस वो 4 कॉलम का भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही लगाया गया, लेकिन 4 कॉलम है उसे 12 इंची बाई 9 इंची का लगाया गया। देखिए, पहला कॉलम, ये दूसरा और तीसरा और वो चौथा, मतलब 16 में से 4 कॉलम को 9 बाई 12 का लगाया गया, क्योंकि ये बीच में है, यहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा। हालाँकि इतना ज़रूरत नहीं था, क्योंकि नज़दीक में आप 2 कॉलम लगा रखा है गली में। तो देखिए, इस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसमें भी आपको छज्जा मिल रहा है उधर 3 रूम में, इधर में भी छज्जा नहीं बनाया गया है। छत की ढलाई का बात किया जाए तो देख सकते हैं अभी जस्ट ढलाई कंप्लीट हुआ है। अभी जो इसका बल्ले वगैरह होता है उसके निकालने का काम जारी ही है। फर्श का बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पे सॉइल फिलिंग का जो काम है
इसके जगह में आपको डस्ट फिलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। देख सकते हैं ये डस्ट है और मिट्टी से काफ़ी अच्छा रहता है। आप चाहें तो मोरा मिट्टी या फिर इस डस्ट का इस्तेमाल करते हुए अगर जो आप फर्श बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें सेटल डाउन होने का जो खतरा है वो कम रहता है। देख लीजिए पूरा में लगभग फिलिंग का काम है वो, बैक फिलिंग का काम है वो कम्प्लीट लगभग हो गया है। सोलिंग ब्रिक सोलिंग का काम नहीं हुआ है। तो बात किया जाए कि इतना बनाने में कितना रुपये खर्चा आएगा इस पार्टीशन वाल को करने के बाद, तो सारा काम आप लोगों ने देख लिया है। अगर आप 6 दुकान इस टाइप से बनाते हैं तो आपको 5,70,000 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है सिर्फ छत की ढलाई और साइड में जो आप ब्रिक वर्क देखेंगे जो ईंट की जुड़ाई देखेंगे उसको करवाने तक। इसमें प्लास्टर का चार्ज है वो इंक्लूड नहीं है। और इस दुकान में आप देखेंगे तो टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं बनाया जा रहा है और ना ही इसमें सीढ़ी का काम अब तक हुआ है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ आइडिया दिया जाए ताकि आप लोग कंस्ट्रक्शन करवाएं तो आप लोगों को आप इस वीडियो को देखते हुए अपने लिए कुछ अनुमान लगा पाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई आपका हित संबंधी जो दुकान बनाने वाले हैं या फिर दुकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उन तक भी पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।